हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिस इज अमन एंड यू आर वाचिंग कोडर स्पीड। तो लेट्स बिगिन। हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, टू मैट्रिक्स का, थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स आपको बता दिया था क्या होता है, फोर बाई फोर का मैट्रिक्स क्या होता है। इसमें फोर बाई फोर इंटू फोर रो होगा, फोर कॉलम होगा, उसी को बोलते हैं फोर बाई फोर। और जिसमें तीन रो तीन कॉलम होंगे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स। तो थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है हमारे पास, तो मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो दिखा चुका हूँ, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये बहुत ही अच्छा है। मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट है ना मल्टीप्लिकेशन का ही है, एडिशन तो आप कर ही लेते हो, मल्टीप्लिकेशन समझना बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिगनर्स के लिए, जो मतलब कभी ट्राई नहीं किए हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो आप कोई नहीं, आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो बहुत ही आपके साथ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप एक ही बार में आप सीख जाओगे यहाँ पे। ओके, तो देखो फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और इसी का जो फर्स्ट कॉलम है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी का जो फर्स्ट कॉलम है रो के साथ करेंगे। जो ये एलिमेंट होंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, वो मैं करके दिखाता हूँ, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आपको कन्फ्यूज हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको। देखो फर्स्ट एलिमेंट जो सी टू है इसके साथ जो यहाँ पे लिखे जाएंगे, इसके साथ जो सेकंड एलिमेंट तो यहाँ पे लिखे जाएंगे, और इसके जो थर्ड एलिमेंट यहाँ पे लिखे जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये आपको ऐसे ही बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से। ये एलिमेंट यहाँ पे लिखे जाएंगे, ये एलिमेंट इसका इसी के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे जाएंगे, और ये थर्ड यहाँ पे लिखे जाएंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके साथ करते हैं रो के साथ, कॉलम रो के साथ होता है, तो थ्री इसके साथ करो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, तो एट थ्री या 24 ये रहा। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ, ये सेकेंड एलिमेंट इसका, तो कितना हो जाएगा सिक्स थ्री जा 18 ये 18, फाइव थ्री फाइव फाइव जा 25 ये रहा। ओके, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ हो गया जो यहाँ पे लिख दिया हमने। अब इसी का जो है फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ करना है जो कि नीचे में लिखेंगे हम। ओके देखो, तो एट इसके साथ एट टू जा 16, थ्री टू जा 6 एंड थ्री फाइव जा 15। ओके, ऐसे देखो एट इसके साथ अब करेंगे, दो तो हो गया, इसमें करेंगे हम एट फाइव जा 40 एंड थ्री फोर जा 12 एंड फाइव सेवन जा 35। तो यहाँ तक हो गए, यहाँ तक क्लियर है। ये फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ हुआ एक बार जो यहाँ पे लिखा गया, फिर इसी का इसी के साथ हुआ यहाँ पे लिखा गया, और इसी का इसके साथ हुआ जो यहाँ पे लिखा गया। ये आपको समझ में आ गया तो सेकंड लाइन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखो ऐसे इसके से लिख करेंगे तो सेम जैसे हमने किया, तो फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ। तो देखो ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 9 हो गया, 3 6 1 जा 6 ये हो गया, और 2 5 जा 10 ये आ गया। सेम करेंगे इसके साथ अब, तो 3 2 जा 6 ये, 1 2 1 जा 2 ये, एंड 2 3 जा 6 जो कि ये। अब क्या करना है, अब इसके साथ करना है। ओके तो चलो देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 5 3 जा 15 एंड 2 4 1 जा 4 एंड 7 2 जा 14। ओके, अब देखते हैं इसका एलिमेंट, ये एलिमेंट इसके फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ फिर थर्ड के साथ जो कि यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो देखो 8 3 जा 24, 7 6 जा 7 6 जा 42 एंड 6 5 जा 30। ओके, अब आगे देखो अब करना है किसके साथ, ये तो हो गया हमारे पास, अब ये करना है। तो इसी का फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ, ओके तो करो 8 2 जा 16 हो जाएगा ये रहा, 8 2 जा 16 हो गया एंड 8 2 जा 16 हो गया एंड 7 2 जा 14 ये हो गया, 6 3 जा 18 ये आ गया। अब इसी के क्या करना, थर्ड एलिमेंट के साथ, तो फर्स्ट के साथ 8 40 एंड 7 4 जा 28 6 7 जा। अब कुछ नहीं करना, जैसे ऐड करना है बस, सिंपल ऐड करना, ऐड कर लो इसे, ऐड कर लो इसे, ऐड कर लो इसे, ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो आप। ओके, तो सबको ऐड, फर्स्ट वाले को ऐड करोगे तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट को ऐड करोगे तो यहाँ पे लिखोगे इसका ये वाला एलिमेंट यहाँ पे, ये एलिमेंट यहाँ पे, ये एलिमेंट यहाँ पे एंड ये एलिमेंट यहाँ पे एंड ये एलिमेंट यहाँ पे, ये एलिमेंट यहाँ पे एंड ये एलिमेंट यहाँ पे। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन अब आ गया होगा, और आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप रिपीट करके देखो एक बार, फिर प्रॉब्लम नहीं आएंगी, आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। तो अब देखते हैं हम इसी में जो डिवाइड कैसे करते हैं।
देखो डिवाइड, डिवाइड में कुछ नहीं है, आप जैसे कि अब डिवाइड करना है आपको, तो डिवाइड जब होंगे ना, तो डिवाइड ये जैसे कि आप डिवाइड करोगे तो सब एलिमेंट के साथ हो जाएंगे, डिवाइड सब एलिमेंट के साथ हो जाएंगे। तो जैसे सिक्स जैसे डिवाइड करो तो किसी एक एलिमेंट के साथ नहीं होंगे, सब एलिमेंट के साथ हो जाएंगे, जितने इंटायर एलिमेंट है हमारे पास सब के एलिमेंट के साथ होंगे। तो हमने टू से डिवाइड कर दिया तो सब के एलिमेंट के साथ टू डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड करके जो भी कुछ सॉल्यूशन, देखो एट थ्री आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो ये सब करके लिख दिया। ये डिवाइड में कोई ज़्यादा नहीं था कुछ, और जो था मल्टीप्लिकेशन में था। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।